जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप मिश्रा एके टी यू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूं जिस यूनिवर्सिटी ने हमेशा छात्र हित में कदम उठाए हैं। जी हां, मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जिस यूनिवर्सिटी ने पिछले सेमेस्टर को ऑनलाइन मोड में लेके न ही लाखों छात्रों की जिंदगी को बचाया बल्कि तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। बस मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है, जिस यूनिवर्सिटी ने हमेशा छात्र हित में अपने कदम बढ़ाए हैं इस बार उस यूनिवर्सिटी को ऐसा क्या हो गया है कि हम छात्रों की बात उस तक पहुंच नहीं रही है। हम AKTU के छात्र पिछले एक हफ्ते से लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि सर AKTU का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लीजिए। ऐसा लेने से हो सकता है जो तीसरी लहर आने वाली है, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसके लिए हमें जागरूक रहना है, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। ऐसे में अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो हमें लगता है कि लाखों स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ खेला जा सकता है क्या, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि AKTU यूनिवर्सिटी जो कि हमेशा छात्र हित में अपने कदम बढ़ाए हैं, उनको हमारी समस्याओं को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पापा बाहर रहते हैं, मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी हैं। अगर ऑफलाइन एग्जाम के बाद मैं वायरस की चपेट में आता हूं तो क्या कोई तीसरा बंदा होगा जो मेरे इलाज के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं होगा। मैं हमेशा से ही समझता आया हूं कि किसी चीज़ का इलाज से अच्छा उसका बचाव है। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम करा के लाखों स्टूडेंट की जिंदगियों को बचा सकते हैं तो हमें हर्ज क्या है इसमें। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने जा रहे हैं, जिनका मुख्य मंतव्य यही है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में अगर AKTU यूनिवर्सिटी हमारे एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में लेती है तो ना ही बल्कि वो लाखों छात्रों की ज़िंदगी को सुरक्षित करेगी बल्कि मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का फैसले का भी आदर करेगी और उनके मंतव्य को पूरा करेगी, जिनका मंतव्य भी यही है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी AKTU यूनिवर्सिटी, मेरी प्यारी सी यूनिवर्सिटी जो हमेशा हमारे छात्र हित में रही है, वो इस बार भी हमारे छात्र हित का ही फैसला लेगी और हम सभी की मांगों को पूरी करेगी। जय हिंद, जय भारत।